हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक इंडिकेटर, एक फ्यूज, चार 5-पिन सॉकेट और चार स्विच का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही प्लेट में स्विच सॉकेट को फिट कर लिया है। अब मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम फ्यूज और इंडिकेटर में तार का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले हम फ्यूज के नीचे वाले पिन और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में तार का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने फ्यूज के नीचे वाले पिन में तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इस तार को हमें इंडिकेटर में लगाना है दोस्तों, और इंडिकेटर के साथ सभी स्विच में भी इस तार का कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें एक तार और ज्वाइंट कर लेता हूं और इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। यह फेज तार है दोस्तों, अभी हम फेज का वायरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने इंडिकेटर के नीचे में भी इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमें इस तार को कहाँ पर लगाना है। तो हमें फिर से इस तार के साथ एक तार और ज्वाइंट करना है और इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। आप चाहें तो स्विच के ऊपर वाले पिन में भी इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं स्विच के नीचे के पिन में इस तार का कनेक्शन कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे स्विच के ऊपर में भी लगा सकते हैं। अब देखिए, अब हमें इस तार के साथ फिर से एक तार ज्वाइंट करना है और इसे दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। तो चलिए, मैं इसे इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले स्विच में भी तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। सभी तार को हमें अच्छे से कसना है दोस्तों, अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि तार अगर लूज रहेगा तो स्विच और सॉकेट में शॉर्ट सर्किट होकर आग भी लग सकता है। देखिए दोस्तों, अब हमें फिर से एक तार और ज्वाइंट करना है इस तार के साथ और इसे तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए, मैं तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में भी इस फेज के तार का कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए, मैंने तीसरे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस तार को इस चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। सभी स्विच के नीचे वाले पिन में इस तार का कनेक्शन करना है दोस्तों। सभी स्विच को इस तार की सहायता से शॉर्ट करना है। तो चलिए, मैं इस तार को चौथे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए, मैंने चारों स्विच के नीचे वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब आगे कैसे कनेक्शन होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें चारों स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ करना है। तो जो सॉकेट का एल वाला पिन होता है, उस वाले पिन में इस तार का कनेक्शन करना है। चलिए, मैं एक एक स्विच के साथ एक एक सॉकेट का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, सॉकेट का जो एल वाला पिन होता है, उस वाले पिन में मैंने इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब इस तार को हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देता हूं, क्योंकि इस वाले स्विच से हमें इस सॉकेट को ऑन ऑफ करना है। आप जिस भी स्विच से जिस सॉकेट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, उस स्विच के साथ आप उस सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इन दोनों का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इन दोनों का भी कनेक्शन कर देता हूँ। तो जिस तरह से हमने पहले वाले स्विच सॉकेट का कनेक्शन किया है, वैसे ही हमें इस दूसरे वाले स्विच सॉकेट का भी कनेक्शन करना है। स्विच के ऊपर वाले पिन में तार को लगाना है और वहां से जो तार निकलेगा, उस तार को सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए, मैं इस सॉकेट के एल वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले सॉकेट में भी तार का कनेक्शन कर दिया। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी दोनों स्विच सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो चलिए, मैं एक तार और ले लेता हूं और तीसरा वाला स्विच सॉकेट का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए, इस सॉकेट का एल वाला पिन ये वाला है। तो मैं यहां पर इस तार का कनेक्शन कर देता हूं और इसे अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहां से जो तार निकलेगा दोस्तों, उस तार को हमें इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो चलिए, मैं फटाफट से इस वाले पिन में भी इस तार का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ एक स्विच और एक सॉकेट बचा हुआ है फेज के कनेक्शन के लिए। तो मैं इन दोनों में भी तार का कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, यह सॉकेट का एल वाला पिन है, तो यहाँ पर मैं इस तार को लगा देता हूँ और इसे भी कस लेता हूँ। अब यहाँ से जो तार निकलेगा, उस तार को हमें चौथे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। ये वाला पिन खाली है स्विच का, तो यहाँ पर मैं इस तार का कनेक्शन कर देता हूँ और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका भी कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का कनेक्शन दिखाता हूँ। अब इतने में तो हमारे फेज का काम जो है खत्म हो गया दोस्तों। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है।
तो देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन इंडिकेटर और चारों सॉकेट में होगा। तो चलिए हम इंडिकेटर से कनेक्शन करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक न्यूट्रल के लिए तार ले लिया है और मैं इस तार को इस इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और फेज के लिए एक ही रंग का तार लिया है दोस्तों, एक ही कलर का तार लिया है। आप चाहें तो दो अलग अलग कलर का तार ले सकते हैं बोर्ड के वायरिंग के लिए। देखिए मैंने इंडिकेटर में तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस तार के साथ एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। चारों सॉकेट का एन वाला पिन अभी खाली है दोस्तों, तो हमें इन चारों सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। देखिए मैंने एक सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस तार को दूसरे वाले सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्शन करूंगा, तो मैं इसमें एक तार और ज्वाइंट करूंगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक तार और ज्वाइंट कर लिया। अब मैं इसे दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। सॉकेट का जो एन वाला पिन होता है वह न्यूट्रल का होता है, तो हमें सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। ये देखिए मैंने दो सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस तार के साथ एक तार और ज्वाइंट करूंगा और इसे तीसरे वाले सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। तो चलिए मैं इस तार को इस तीसरे वाले सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। जिस तरह से हमने पहला सॉकेट और दूसरा सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन किया है, ठीक उसी तरह से हमें इस तीसरे वाले सॉकेट में भी न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए मैंने तीसरा वाला सॉकेट में भी न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब इस तार को मैं इस चौथे वाले सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इस चौथा वाला सॉकेट में भी न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब इतने में हमारे इस बोर्ड का जो वायरिंग है वह कंप्लीट हो गया। अब हमें इस बोर्ड में सप्लाई कहाँ पर देना है देखिए, तो इस बोर्ड में फ्यूज और इंडिकेटर दोनों लगा हुआ है, तो हमें इंडिकेटर में न्यूट्रल सप्लाई देना है और फ्यूज में फेज सप्लाई देना है। तो चलिए मैं सप्लाई के तार को ले लेता हूँ और फिर इंडिकेटर और फ्यूज में इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यह पीला वाला तार फेज का है, तो फेज वाले तार को हमें हमेशा फ्यूज में लगाना होता है, तो मैं इसे फ्यूज के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ और इस पिन को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब ये जो हरा वाला तार है यह न्यूट्रल का है दोस्तों, इसमें बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा, तो इस तार को मैं इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि यहीं से चारों सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन हुआ है। तो मैं यहाँ पर इस तार का कनेक्शन कर देता हूँ और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब चलिए मैं इसे बोर्ड में अच्छे से फिट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अब इतने में हमारा यह बोर्ड जो है तैयार है।